रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के समर स्लैम के मैच के कुछ बहुत बड़ी हमें एंडिंग दिखाई दे सकती है, इसके बारे में गाइस बात करने वाले हैं। साथ ही में जॉन सेना के समर स्लैम स्टेटस को लेकर एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। एंड गाइस कोडी रोड्स के बारे में अपडेट है, ब्रॉक लेसनर के बारे में भी अपडेट है, बहुत अपडेट्स है वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ज़्यादा टाइम गाइस वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले बात करते हैं स्मैकडाउन की। तो अगले स्मैकडाउन के लिए मैच ऑफिशियल हो चुका है, थियरी वर्सेस मैडकैप मॉस के बीच, एंड अपने मिस्टर मनी इन द बैंक थियरी का आमना सामना होगा। साथ ही में स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच होगा लिव मॉर्गन वर्सेस नटालिया के बीच, एंड ये टाइटल डिफेंस से पहली लिव मॉर्गन की। तो देखते हैं गाइस क्या चीज़ें होती है अगले स्मैकडाउन में। और गाइस यहाँ पर ये तो खैर बात रही स्मैकडाउन की, और गाइस अगले रॉ के लिए मतलब जो आने वाला रॉ है उसके लिए भी तीन सेगमेंट्स अनाउंस है। सबसे पहला मैच होगा गाइस रिडल एंड मिस्टर मनी इन द बैंक थियरी होगा इन दोनों का मैच। साथ ही में गाइस बॉबी लैशली का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का ओपन चैलेंज है, तो देखते हैं इस चैलेंज को कौन एक्सेप्ट करता है। एंड एक और चीज़ बहुत बड़ी है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होने वाला है मंडे नाइट रॉ पर। जी हाँ, ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 100% ऑफिशियल की है कि ब्रॉक लेसनर आने वाले मंडे नाइट रॉ में। तो लेट्स सी गाइस, ब्रॉक लेसनर आते हैं तो क्या चीज़ें कहते हुए हमें दिखाई देते हैं रॉ में, एंड देखते गाइस मंडे नाइट रॉ के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। एंड गाइस यहाँ पर से तो काफ़ी कमाल की चीज़ होगी। बात करें समर स्लैम की, तो इसके लिए भी कुछ नए मैचेस वगैरह ऑफिशियल हो चुके हैं। एंड गाइस कार्ड के ऊपर दो मैच ऐड हो चुके हैं, दोनों चैंपियनशिप मैचेस है। उसोज एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स का फिर एक बार आमना सामना होगा अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स के लिए, और स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए गाइस होगा लिव मॉर्गन वर्सेस रोंडा राउजी के बीच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच। तो ये फिलहाल दो टाइटल मैचेस ऑफिशियल हो चुके हैं समर स्लैम में, एंड ये दो मैचेस ऐड हो चुके हैं। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। एंड अगली अपडेट की बात करते हैं, जो कि जुड़ी गई रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका बेलेयर के बारे में। एंड बियांका बेलेयर गाइस 250 दिन बियांका बेलेयर को हो चुके हैं, और वो वन ऑन वन सिंगल मैच में कभी भी सिंगल हैंडेड पिन नहीं हुई है। एंड लास्ट टाइम वो बेकी लिंच से पिन हुई थी, तो वेल ये कुछ अगस्त का मंथ था जब बियांका बेलेयर पिन हुई थी। एंड अभी फिलहाल 250 दिन हो चुके हैं बियांका बेलेयर को नॉट पिन हुए, तो देखते गए कब तक ऐसी विनिंग स्ट्रीक बियांका बेलेयर की चलती है। एंड ये कुछ बातें थी बियांका बेलेयर के बारे में। एंड हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, एंड सेकंड अपडेट जुड़ी हुई है गाइस एनएक्सटी के बारे में। एंड एनएक्सटी का अपना नया पेपर व्यू गाइस करने वाली है। एंड गाइस एनएक्सटी का नया पेपर व्यू अगले मंथ अगस्त के अंदर प्लान करने का सोच रही है एनएक्सटी। एंड फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू जो है अगले मंथ को ही एनएक्सटी के लिए पेपर व्यू सोच रही है, तो लेट्स सी गाइस समर स्लैम के दौरान कौन सा पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी के लिए लाती है, तो देखते हैं। एंड आज एनएक्सटी के शो के ऊपर एनएक्सटी का लाइव इवेंट था, तो द रॉक की बेटी सिमोन जॉनसन का भी गाइस हमें प्रोमो दिखाई देता है, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है आज एनएक्सटी के शो पर। एंड एनएक्सटी लाइव इवेंट के अंदर ही हमें एक बड़ी चीज़ दिखाई देती है। एंड बात करते हैं हम लोग अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में, तो क्या कोडी रोड्स अपने टाइम पीरियड से पहले रिटर्न करने वाले हैं। वेल स्मैकडाउन के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यू मैच एडवर्टाइज करती है सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स का 29 अगस्त के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए, कि क्या गाइस उससे पहले कोडी रोड्स आएंगे। वेल गाइस ये चीज़ें चेंज भी हो सकती, लेकिन ये फिलहाल कुछ एडवर्टीजमेंट थी डब्ल्यूडब्ल्यू वालों की। एंड गाइस एक और एडवर्टीजमेंट चल रही है, एंड ये बात ऑफिशियल हो चुकी है कि जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन का 25 जुलाई का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होगा, वहाँ पर गाइस ब्लड लाइन फेस करेगी रिडल एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स का एक सिक्स मैन टैग टीम मैच में। एंड ये होने वाला है मेन इवेंट एंड मेडिसन स्क्वायर गार्डन अरीना, ने इस बात को कल ही रात को ऑफिशियल कर दिया है। तो आज देखते हैं क्या ये मेन इवेंट के अंदर होता है या फिर जो है स्मैकडाउन रॉ खत्म होने के बाद होता है, लेकिन लेट्स सी क्या कुछ चीज़ें होती हैं। एंड बात करते गए सेकंड लास्ट अपडेट की, जो कि जुड़ी अपने जॉन सीना के बारे में। एंड जॉन सीना का फिलहाल गाइस एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है उनके जो है स्टेटस को लेकर। एंड गाइस पॉसिबली जॉन सीना समर स्लैम में मैच नहीं रेसल करेंगे। एंड जी हां गाइस, अभी इसके बारे में बात हो चुकी है, एंड बताया जा रहा है कि पॉसिबली जॉन सीना इस साल समर स्लैम का पार्ट नहीं हो सकते। एंड जॉन सीना पॉसिबली इस साल के समर स्लैम को मिस
कर सकते। तो ये फिलहाल एक स्पेकुलेशन है एंड गाइस अब चांसेस नहीं लग रहे कि जॉन सीना रिटर्न करके समर स्लैम में कम्पीट करेंगे, लेकिन देखते गए इस क्या चीज़ें होती है। तो फिलहाल कुछ बैड अपडेट है जॉन सीना के बारे में, लेट्स सी क्या चीज़ें होती है, लेकिन कभी भी कुछ भी चीज़ें हो सकती। तो देखते हैं क्या जॉन सीना आते हैं या फिर नहीं। और गैस अब हम लोग बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ जो कि जुड़ी है गैस इस बार समर स्लैम 2022 के मेन इवेंट के बारे में, जो कि होगा अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस वर्सेज ब्रॉक लेसनर लास्ट मैन स्टैंडिंग वन लास्ट मैच। एंड गाइस इस मैच की कुछ शॉकिंग एंडिंग हो सकती है। एंड कल जैसे गैस पॉल हेमन ने कहा कि ब्रॉक लेसनर को पिन करना तो आसान है, लेकिन उसको 10 सेकंड तक नीचे डालना वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, नीचे उसको यहाँ पर रहना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो पॉसिबल गैस ये चीज़ हो सकती है कि पॉल हेमन ने कहा कि तुम्हें तुम्हारा गॉड मोड एक्टिवेट करना पड़ेगा, तुम्हें गैस ऐसी चीज़ करनी होगी, ऐसा सैवेज रोमन रेंस दिखाना होगा जो कि आज तक कभी भी नहीं दिखा था। एंड गैस ये चीज़ हो सकती है। एंड गैस एक रोमन रेंस का एक बहुत अलग हमें डेंजरस कैरेक्टर दिखाई दे सकता है। एंड रोमन रेंस बिल्कुल भाई बहुत तरीके से, बहुत तगड़े तरीके से गैस एक जो है अपना कैरेक्टर प्ले करेंगे एंड ब्रॉक लेसनर को हरा सकते हैं। एकदम गाइस एकदम सैवेज रोमन रेंस हमें दिखाई दे सकते हैं, ये कुछ चीज़ें हो सकती है, या फिर उल्टा ब्रॉक लेसनर एक लास्ट चांस है तो रोमन रेंस की तहस नहस कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या चीज़ें होती है एंड आपके विनर प्रेडिक्शन बताना। एंड फिलहाल आज की वीडियो इतनी सी थी। एंड गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।